नमस्कार किसान भाइयों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी खेती बाड़ी भी अच्छा चल रहा होगा। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि मार्च अप्रैल में कौन सी खेती करें। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्या आप सोचते हैं कि कोई पैसा लेगा या कोई धोखा होगा? तो ऐसा कुछ नहीं है, तो लाल बटन को दबा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मार्च से अप्रैल में उगाएं ये 10 सब्जियां, अच्छे उत्पादन के साथ होगी बम्पर कमाई। एक, गाजर और मूली। चुकंदर और गाजर, मूली एक जड़ वाली सब्जी है। इन्हें आमतौर पर वार्षिक रूप में लगाया जाता है। ये तेजी से बढ़ने वाली सब्जी है, जिनकी कटाई किस्मों के आधार पर 45 से 80 दिनों में कर सकते हैं। इनकी बुवाई मार्च से अप्रैल में सबसे बेहतर मानी जाती है। दो, पालक। 25 से 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान में पालक अच्छी तरह से ग्रो करती है और अधिक ठंड में यह विकसित नहीं होती है, इसलिए पालक को मार्च से अप्रैल के महीने में बिना किसी मुश्किल के लगा सकते हैं। तीन, टमाटर। यह एक स्वादिष्ट फल है, इसमें विटामिन और विटामिन सी पाया जाता है। टमाटर को पूरी गर्मियों में कभी भी उगा सकते हैं और यह अच्छी तरह से ग्रो भी कर सकता है, क्योंकि टमाटर का पौधा गर्म परिस्थितियों को पसंद करता है। मार्च और अप्रैल में चेरी टमाटर, ग्रेप टमाटर, बड़े बिग बीफस्टिक टमाटर और कुछ अन्य टमाटर की किस्में भी उगा सकते हैं। चार, शिमला मिर्च। शिमला मिर्च में विटामिन होता है और यह सब्जी गर्मियों के मौसम में अच्छी तरह से ग्रो करती है। इसे लगाने की विधि भी बहुत आसान है। सरल विधियों और कम रखरखाव के साथ बेल मिर्च या शिमला मिर्च को मार्च से अप्रैल के महीने में लगा सकते हैं। पांच, कद्दू वर्गीय, कुकुरबिट्स या गॉड वेजिटेबल। यह गर्मियों में बहुत अच्छी तरह से विकसित होती है, जिनमें खीरा, कद्दू, स्क्वैश, तरबूज, खरबूज इत्यादि शामिल हैं। इन सब्जियों को मार्च से अप्रैल के महीने में उगा सकते हैं। छह, बैंगन। बैंगन के पौधे को लगाने के लिए लंबे गर्म मौसम की जरूरत होती है, साथ ही 13 से 21 डिग्री सेल्सियस रात का तापमान पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए अनुकूल माना जाता है। सात, प्याज। यह मार्च से अप्रैल में लगाई जाने वाली सब्जियों में से एक है। इसे लगाने के लिए 10 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। प्याज के बीज हल्के गर्म मौसम अच्छी तरह ग्रो करते हैं, इसलिए इन्हें लगाने का सही समय वसंत ऋतु यानी मार्च अप्रैल का महीना माना जाता है। प्याज 150 से 160 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है, हालांकि हरी प्याज की कटाई में 40 से 50 दिन का समय लगता है। 8, भिंडी। इसे मार्च से अप्रैल महीने में घर पर गमले या ग्रो बैग में लगा सकते हैं। भिंडी को ग्रो करने के लिए तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। आमतौर पर भिंडी का उपयोग सब्जी बनाने में और कभी कभी सूप बनाने में होता है। 9, खीरा। खीरे में 95% पानी की मात्रा होती है, जो गर्मियों में सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। खीरा गर्मियों के मौसम में अच्छी तरह ग्रो करता है, इसलिए गार्डन में बिना किसी परेशानी के मार्च से अप्रैल में लगाया जा सकता है। 10, धनिया। हरा धनिया एक जड़ी बूटी है जो आमतौर पर सब्जियों को स्वादिष्ट बनाने के काम भी आता है। इसे उगाने के लिए आदर्श तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। धनिया कम रखरखाव वाला पौधा है, इसे मार्च से अप्रैल के महीने में उगा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।